नमस्कार बच्चों, अपना जो लेसन चल रहा है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक, इसमें अब तक हमने चार सब्सिडरी बुक के बारे में पढ़ लिया, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। अब इसके बाद देखो आती है अपनी कैश बुक। कैश बुक में हम उन व्यवहारों का लेसन लिखा करते हैं जो नगद से संबंधी होते हैं, यानी जिनका लेन देन नगद में होता है। उसके लिए आपके पास एक अलग से लेसन आएगा, वहाँ पे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे अपने, अभी यहाँ पर उसे नहीं करेंगे। उसके बाद अपना आता है बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल बुक, उनके लिए भी आपके पास अलग से लेसन होएगा, उनके बारे में हम वहीं पे पढ़ेंगे। अब अपना जो लास्ट सब्सिडरी बुक होती है वो जर्नल प्रॉपर होती है। जर्नल प्रॉपर या मुख्य जर्नल, अपनी जो लास्ट सब्सिडरी बुक होती है वो होती है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में या मुख्य जर्नल में अपने उन व्यवहारों का लेखा करते हैं जिनका लेखा किसी भी पुस्तक में नहीं हुआ हो। जैसे क्रय व्यय में अपना लेखा हो गया जब हमने माल को उधार खरीदा, विक्रय व्यय में जब माल उधार बेचा, क्रय वापसी में उधार बेचा उधार खरीदा हुआ माल वापस किया, विक्रय वापसी में उधार बेचा हुआ जब माल हमारे पास वापस आया उनका लेखा कर दिया, रोकड़ व्यय में नगद का होएगा और बीपी और बीआर में देय बिलों का होएगा। तो अपने जर्नल प्रॉपर में उन व्यवहारों का लेखा करेंगे जिसका लेखा किसी भी पुस्तक में नहीं हो सकता। अर्थात जैसे इसके अपने कुछ एक उदाहरण लेते हैं, जैसे होती है अपने एक तो स्थानांतरण एंट्रियाँ, अंतिम प्रविष्टियाँ, प्रारंभिक प्रविष्टियाँ, जिनका लेखा अपने क्या करते हैं मुख्य जर्नल में करते हैं। मुख्य जर्नल का प्रारूप वैसा ही होता है जैसा प्रारूप जर्नल का होता है, यानी जैसा प्रारूप जर्नल का होएगा वैसा ही प्रारूप क्या होता है मुख्य जर्नल का होता है। अपने कुछ एक प्रविष्टियाँ लेते हैं जिनकी अपने प्रविष्टियाँ करके देखते हैं जिनका लेखा जर्नल प्रॉपर में होएगा। जैसे माल का आरण, जब माल का आरण होता है, जब माल का आरण करते हैं तो न तो इसका लेखा हम क्रय व्यय में कर सकते हैं, न विक्रय व्यय में कर सकते हैं, क्रय वापसी विक्रय वापसी में होएगा नहीं, अन्य पुस्तकों से उसका लेना देना नहीं है, इसलिए इस व्यवहार का लेखा जर्नल प्रॉपर में होएगा, यानी इसकी एंट्री होएगी। उसके अलावा जैसे मान लो हमने बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया, जब अपने डिस्काउंट देते हैं और कैश प्राप्त करते हैं तो कैश का लेखा तो कहाँ पर होएगा, कैश का लेखा तो कैश बुक में होएगा, लेकिन जो डिस्काउंट दिया उसका लेखा आपको जर्नल प्रॉपर में करना पड़ेगा। इसी तरह से जब क्या हो गया अपना बैड डेब्ट्स हो गया, रुपए डूब गए, मान लो हमें किसी 10,000 रुपए लेने थे, 10,000 में से उसने हमें 8,000 रुपए दे दिए, 2,000 रुपए डूब गए, तो जो डूब गए उसका लेखा अपने कहाँ पर करेंगे, जर्नल प्रॉपर में करेंगे। तो कुछ एक प्रविष्टियाँ जिनका लेखा अपने जर्नल प्रॉपर में करते हैं वो देखो, नंबर एक उधार संपत्ति खरीदी, ₹10,000, ₹5,000 माल का आहरण किया, तथा ₹5,000 माल का आहरण किया तथा ₹2,000 का माल दान में दे दिया, ₹2,000 का माल चोरी हो गया, रमेश से ₹10,000 प्राप्त करने थे, उसने
पूर्ण भुगतान में रमेश से 10,000 रुपये प्राप्त करने थे, उसने पूर्ण भुगतान में 8,000 रुपये का भुगतान किया। दिनेश दिवालिया हो गया, दिनेश दिवालिया हो गया, उससे 5,000 रुपये प्राप्त करने थे, उसने आधी राशि चुकाई। चोरी हुए माल में से 1,500 रुपये का दावा स्वीकार किया। तो ये कुछ एक एंट्री हैं जिन्हें अपने उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इन प्रविष्टियों का लेखा अपने कहाँ पर करेंगे? इन प्रविष्टियों का लेखा जनरल प्रॉपर में होएगा, क्योंकि इसका लेखा अन्य किसी बही में नहीं हो सकता। जैसे पहली एंट्री हमने लिखी उधार संपत्ति खरीदी। देखो जो अपने उधार माल खरीदते हैं, तो उसका लेखा अपने कहाँ पर करते हैं? उसका लेखा अपने परचेज बुक में करेंगे। अब इसमें अगर अपने खरीदी संपत्ति है और उधार खरीदी है, अगर नगद संपत्ति खरीदते तो उसका लेखा अपने कहाँ पर करते? कैश बुक में करते। हमने संपत्ति खरीदी है, लेकिन खरीदी कैसे है? वो उधार खरीदी है। जब संपत्ति को उधार परचेज करते हैं तो अपने पास आता क्या है? संपत्ति। लेकिन वो संपत्ति हमने जिस व्यक्ति से खरीदी, उस व्यक्ति को हमने नगद पेमेंट नहीं किया और नए ये माल है, इसलिए इसका लेखा आपको जनरल प्रॉपर में ही करना पड़ेगा, क्योंकि अन्य कोई ऐसी वही है नहीं है हमारे पास जिसमें इसका लेखा हो सके। इसलिए इसका लेखा अपने कहाँ कर करेंगे? जनरल प्रॉपर में। अब जनरल प्रॉपर में करेंगे तो इसकी एंट्री होगी, जनरल का प्रारूप वही होएगा जो अपने पहले बनाते थे। तो ऊपर लिखना क्या आपको? जनरल प्रॉपर प्रारूप वैसा ही होएगा सेम जैसे जनरल का होता है। तो देखो सबसे पहले एंट्री हमारे पास उधार संपत्ति खरीदी। जब उधार संपत्ति खरीदते हैं तो आता क्या है? उधार संपत्ति खरीदते हैं तो आती संपत्ति है और देने वाले व्यक्ति का नाम। अब हमने किससे खरीदी उसका नाम नहीं दिया। जिस व्यक्ति से अपनी उधार संपत्ति खरीदते हैं उसे इंग्लिश में वेंडर बोला जाता है, यानी विक्रेता का नाम आना चाहिए। अब यहाँ पर नाम नहीं दे रखा, तो आपने पास आई क्या? संपत्ति। देने वाला वो व्यक्ति तो दो खाते प्रभावित हो गए, पहला वस्तुगत खाता, दूसरा व्यक्तिगत खाता। वस्तुगत खाते में के लिए हमारे पास दो नियम थे, जो वस्तु बिजनेस में आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो। तो इसमें वस्तु आई क्या? हमारे पास कोई संपत्ति आई है
उस संपत्ति का नाम नहीं दे रखा, इसलिए यहाँ पर आप क्या करोगे, रिस्पेक्टिव असेट्स लिखोगे। डेट हमारे पास है नहीं, तो रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट, टू वेंडर अकाउंट, डिशन होएगा बी रिस्पेक्टिव असेट्स परचेज ऑन क्रेडिट, बीइंग रिस्पेक्टिव असेट्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, यानी उधार संपत्ति खरीदी, वैल्यू कितनी है 10,000 की खरीदी है, तो यहाँ पे देखो डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, तो क्या आएगा 10,000 यानी 10,000 की हमने क्या किया है, उधार संपत्ति खरीदी है। नंबर दो पे क्या एंट्री है, 5,000 रुपये का माल आरण किया तथा 2,000 रुपये का माल दान में दिया। अगर माल बेचते और खरीदते तो इनका लेखा तो कहाँ पर होता, अपना क्रय और विक्रय व्यय में होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, माल का आरण किया, जब अपने माल का आरण करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, अपने ड्रॉइंग टू परचेज, यानी आरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रॉइंग, और परचेज क्योंकि माल गया है, तो मैंने बताया था माल को जब बेचने के अलावा कुछ अन्य उपयोग में लेते हैं तो उसमें टू परचेज लिखा जाएगा हमेशा, अगर बेचते हैं तो टू सेल्स लिखते हैं, अगर बेचने के अलावा अन्य किसी काम में लेते हैं तो उसके लिए क्या करोगे आप, टू परचेज करोगे। तो यहाँ पे अपनी एंट्री क्या बनेगी, 5,000 रुपये का माल जब आरण किया तो उसकी एंट्री ड्रॉइंग टू परचेज हो गई, फिर 2,000 रुपये का माल दान में दिया, जब माल दान में देते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्या एंट्री होगी, चैरिटी टू परचेज। तो दोनों ही दशाओं में क्रेडिट क्या हुआ, परचेज हुआ है, डेबिट क्या हुआ है, ड्रॉइंग हुई है और चैरिटी हुई है, तो ये क्या कौन सी एंट्री होगी, ये अपनी मिक्स एंट्री यानी मिश्रित एंट्री होगी। तो मिश्रित एंट्री का मतलब होता है कि इन एक ही साथ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस व्यवहार की दो प्रविष्टियाँ करने की बजाय केवल एक ही प्रविष्टि करेंगे, और वो प्रविष्टि क्या होगी, पहले है माल का आरण किया, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, निरीक्षण होएगा बी गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कि हमने क्या किया, माल दान में दिया और पर्सनल यूज के लिए काम में लिया। अब देखो कितने का माल दान में दिया, 5,000 रुपये का तो माल आरण किया और 2,000 रुपये का दान में दिया, तो ड्राइंग के सामने तो लिखोगे 5,000 और चैरिटी के सामने 2,000, टोटल कितने का गुड्स हो गया, 7,000 का, यानी कि 5,000 रुपये का माल आरित किया और 2,000 रुपये का माल दान में दिया, टोटल माल हमारे पास से गया 7,000 का, लेकिन इस माल को हमने बेचा नहीं, बेचा नहीं इसलिए इसका लेखा सेल्स बुक में न होकर जनरल प्रॉपर में हो गया। नंबर 3, 2,000 रुपये का माल चोरी हो गया। अब 2,000 रुपये का माल चोरी हो गया, जब माल चोरी होता है तो वो भी बेचा नहीं, माल चला गया लेकिन उसे बेचा नहीं, इसलिए उसकी एंट्री क्या होती है, जब लॉस होता है तो लॉस बाय देख लेते हैं, वो आग से हुआ, चोरी हुआ, बाढ़ से हुआ या फिर भूकंप में ख़राब हो गया, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माल है वो चोरी हुआ है, तो क्या लिखोगे, लॉस बाय थेफ्ट, माल क्या हो गया, चोरी हो गया, तो लिखना है आपको लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट,
लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट आएगा बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। अब कितने का माल चोरी हुआ कि 2000 रुपये का माल चोरी हो गया, तो यहाँ पे 2000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, नंबर चार पे रमेश से 10000 रुपये का प्राप्त करने थे, उसने पूर्ण भुगतान में 8000 का भुगतान किया। लेने कितने थे उससे 10000, उसने पूर्ण भुगतान में, पूर्ण भुगतान में का मतलब है कि मानना उसने ही अभी उसने पूरा भुगतान कर दिया, लेकिन उसका भुगतान है वो पूरा नहीं हुआ है। उसने लेने कितने थे उससे अभी 10000 और 10000 में 8000 दे दिए। देखो 8000 देगा इसकी, अगर अपने एंट्री करें तो ऐसी होती है कैश अकाउंट डेबिट 8000, 2000 रुपये कम दिए वो कहाँ पे जाएंगे अपने डिस्काउंट में, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2000 टू किससे लेने थे रमेश से, टू रमेश 10000, तो कैश कितना आया 8 का, डिस्काउंट कितना हो गया 2 का, और रमेश के जमा कितने कर दिए 10000। अब देखो हमें उससे रुपए लेने थे 10000, 8 दे दिए, तो ये 8000 का लेखा हम कैश बुक में करेंगे, 8000 का लेखा कहाँ पर करेंगे कैश बुक में, तो जनरल प्रॉपर में नहीं होएगा। फिलहाल हमने वो कैश बुक नहीं बनाई, लेकिन इसका लेखा तो किस में होएगा कैश बुक में ही होएगा। हम सिर्फ यहाँ पर जो लेखा करेंगे वो किसका करेंगे डिस्काउंट का करेंगे, क्योंकि इसका लेखा और कहीं किसी बुक में नहीं हो सकता, इसलिए इसका लेखा जनरल प्रॉपर में होएगा। इसका लेखा कहाँ पर होएगा जनरल प्रॉपर में। ये जो एंट्री 2000 रुपये वाली ये यहाँ पर होएगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया 2000 का, तो यहाँ पे आ गया 2000 रुपये। निरीक्षण होएगा बी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट गिवन। अब देखो मान लो ये जनरल की तरह है, अब इसका क्या करेंगे टोटल लगाएंगे, अब इसका टोटल लगा दूं। अब टोटल जब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेज पर जाता है टोटल सीएफ, क्या लिखोगे टोटल सीएफ। टोटल आ गया अपना 10, 7, 17, 17, 2, 19, 2, 21, टोटल 21 आ गया डेबिट में, डेबिट में 21 तो क्रेडिट में भी 21 आएगा। ये अपनी चार एंट्री, फिर दोबारा समझो। पहली है उधार संपत्ति खरीदी, उधार संपत्ति खरीदी, आई क्या संपत्ति, गया क्या, कुछ भी नहीं, तो उस व्यक्ति से खरीदा उसका नाम आ जाएगा, नाम यहाँ पे फिलहाल दे नहीं रखा, इसलिए अपने क्या करेंगे संपत्ति आई 10000 की, तो रिस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट कितने से होएगा 10000 से, और देने वाला कौन है वेंडर, यानी उसका नाम होता मान लो राजस्थान फर्नीचर हाउस, मोदी फर्नीचर हाउस, तो हम क्या करते उसका नाम लिख देते, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए वेंडर, वेंडर माने विक्रेता होता है, तो वो कितने का आ गया 10000 का आ गया। दूसरी एंट्री थी अपनी 5000 का माल आरण किया और 2000 रुपये का माल दान में दिया, आरण कितने का किया 5000 का, दान में कितने का दिया 2000 का। दोनों ही दशाओं में जब माल आरित करते हैं तो एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, और जब दान में देते हैं तो एंट्री होती है चैरिटी टू परचेज। दोनों ही दशाओं में क्रेडिट क्या हो रहा है परचेज हो रहा है, एक ही तिथि की एक साथ एंट्री है, इसलिए क्या करेंगे टू परचेज 5 और 2, 7000 आ गए। तीसरी एंट्री थी 2000 रुपये का माल चोरी हो गया, जब माल चोरी हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है माल चोरी होने की, वही लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, और कितने का माल चोरी हो गया 2000 का, तो 2000 रुपये आ गए लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज 2000 रुपये से। चौथी एंट्री थी रमेश से 10000 रुपये प्राप्त करने थे, उसने पूर्ण भुगतान में, देखो एक तो ये बात होती है कि 8000 दिए सीधा आता तो अपने ये मान लेते 2000 रुपये वो बाद में दे देगा, एक बार अपने एंट्री करते
कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, और 2000 मान लेते हैं वो बाद में देगा, लेकिन इसमें लिखा है कि उसने पूर्ण भुगतान में 8000 दिए हैं। पूर्ण भुगतान का मतलब होता है कि देगा वो 8000 ही और मानेगा 10000, तो शेष आपको डिस्काउंट मानना पड़ता है। जब अपने बट्टा काट के कैश प्राप्त करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू से प्राप्त किया रमेश। कैश कैश वाली एंट्री तो कहाँ पर होएगी, कैश वाली एंट्री कैश बुक में होएगी, यहाँ पर केवल एंट्री होएगी वो डिस्काउंट वाली होएगी। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रमेश 2000 से हो गया। अब पूरे का क्या करेंगे, टोटल लगाएंगे, तो डेबिट का टोटल आ गया 21000, क्रेडिट का टोटल आ गया 21000, दोनों का टोटल आ गया 21000। अब इसका क्या गया, टोटल CF हो गया, ये कैरिड फॉरवर्ड, इस टोटल को अपने आगे ले जाएंगे। मान लो अपना पेज भर गया, अपने क्या कर देते हैं, यहाँ से दोबारा शुरू कर देते हैं, नए पेज पे नई लाइन खींचेंगे और इस टोटल को पहले ऊपर ले जाएंगे। अब देखो सबसे पहला कार्य आपका क्या, पीछे जो टोटल था वो कितना था 21000 का, वो आगे ले आओ, वहाँ पे लिखा हमने टोटल CF, यहाँ पे लिखेंगे टोटल BF। वहाँ CF का मतलब था कैरिड फॉरवर्ड, आगे ले जाया गया, और इसका मतलब है ब्रोट फॉरवर्ड यानी आगे लाया गया। अब है पांचवी एंट्री, दिनेश से दिवालिया हो गया, उसने 5000 रुपये प्राप्त करने थे, उसने आधी राशि चुकाई। देखो जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसकी वजह से वो कम चुकाता है, तो शेष राशि है आप डिस्काउंट न मानकर वहाँ पर आप क्या मानोगे, बैड डेट्स मानोगे, यानी शेष राशि को आप डिस्काउंट नहीं मानोगे, वहाँ पर क्या मानोगे, बैड डेट्स मानोगे। जब अपने बैड डेट्स हो जाता है और अपनी राशि प्राप्त करते तो उसकी एंट्री ऐसी होती है, कैश अकाउंट डेबिट, जितना बैड डेट्स डूब गया, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू किससे लेने थे, दिनेश से, तो क्या करेंगे टू दिनेश। तो कैश में कितना प्राप्त किया, देखो उससे जितने रुपए लेने थे 5000, उसने आधी राशि चुकाई है, तो 5000 का आधा 2500 उसने चुका दिया, 2500 बैड डेब्ट्स हो गया, टोटल 5000 हो गया। तो ये 2500 रुपये जो कैश वाली एंट्री है ये तो कहाँ पर होगी, 2500 रुपये जो कैश वाली एंट्री है वो तो होगी कैश बुक में, यहाँ पर सिर्फ एंट्री होगी बैड डेट टू दिनेश, जो कितने रुपए से है, 2500 रुपए से, कितने से आएगी 2500 से एंट्री में नहीं। पहले यहाँ पे देखो पीछे का टोटल लिखो कितना, 21000, यहाँ पे एंट्री करो पांच नंबर, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश अकाउंट कितने रुपए से, 2500 रुपए से। रेशन आएगा बीइंग कैश हाफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश काज ऑफ हिज इंसॉल्वेंसी, यानी दिवालिया होने की वजह से हमने क्या है आधे रुपए प्राप्त किए हैं, तो कितने रुपए प्राप्त किए हमने, 2500।
लास्ट एंटे चोरी हुए माल में से बीमा कंपनी ने 1500 रुपये का दावा स्वीकार किया। देखो 2000 रुपये का माल चोरी हो गया और दावा कितने का स्वीकार किया, 1500 का, तो 500 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो देखो मैंने आपको एंट्री बताई थी, जब बीमा कंपनी दावा स्वीकार करती है, अगर वो पूरा दावा स्वीकार करती है तो अपने क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर या थेप्ट करते हैं। लेकिन इसमें बीमा कंपनी ने कितने का दावा स्वीकार किया है, बीमा कंपनी ने इसमें 1500 का दावा स्वीकार किया, तो 500 रुपये आप P&L में डालोगे। एंट्री मैंने आपको बताई थी, जितने का दावा स्वीकार करे वो बीमा कंपनी के नाम लिख दो। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखोगे, पहले हमने टू लॉस बाय फायर को क्या किया था, थेफ्ट को डेबिट किया था, अब लॉस बाय थेफ्ट को क्रेडिट करोगे। तो लिखोगे टू लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का दावा स्वीकार किया, 1500 का, यहाँ पर आ गए 1500, और कितना कम दावा स्वीकार किया, 500, ये 500 आ गया, लॉस बाय थेफ्ट आ गया 2000 से। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी, द्वारा देखो एंट्री, दिनेश दिवालिया हो गया और उससे 5000 रुपये प्राप्त करने थे, आधी राशि चुका दी, तो जितना प्राप्त किया वो तो आएगा कैश बुक में, जितना डूब गया वो आएगा जनरल प्रॉपर्टी में। एंट्री क्या हुई, बैड डेट्स कितना डूबा, आधी राशि, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश 2500 रुपये डूब गए, तो 2500 रुपये से एंट्री होगी। फिर है चोरी हुए माल में से बीमा कंपनी ने 1500 का दावा स्वीकार किया, पहले अपना माल है वो 2000 का चोरी हुआ, जिसमें बीमा कंपनी ने कितने का दावा स्वीकार किया, 1500 का, तो 1500 इंश्योरेंस कंपनी के नाम लिख दिए, 500 जो डूब गए वो P&L में डाल दिए, और लॉस बाय थेफ्ट हो गया अपना 2000 रुपये। ठीक है, अब लास्ट में क्या करना है, इसका टोटल लगाना है, और यहाँ पर लिखना क्या है, ग्रांड टोटल, क्या लिखोगे, ग्रांड टोटल, अब इसके पूरे का टोटल लगाएंगे, तो पूरे का 21 + 2 = 23 = 25,500 इस तरह से अपने क्या हो गए, जनरल प्रॉपर है पूरी हो गई, ये अपनी हो गई, आप सब्सिडरी बुक और जनरल दोनों हो गए अपने। कल अपने करेंगे लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन, वो अपने कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।